तो मेरे बच्चों, अल फताह का मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये चीज आप कान से तो सुनो लेकिन दिल से समझो। अल फताह का मतलब है रास्ते निकालने वाला, अल्लाह ताला रास्ते निकालने वाला। अच्छा ये बताओ, कभी ऐसा होता है कि कहीं से रास्ता ही नहीं दिख रहा है? कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपको ऐसी जगह पर अटके हो कि रास्ता ही नहीं दिख रहा है? नहीं। आपके साथ नहीं हुआ है, लेकिन कई लोगों के साथ होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आपके साथ भी हुआ होगा शायद, आपको अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ हुआ है, बता सकते हैं मिसाल? प्राइवेट चीजें तो मत बताओ। एग्जाम पढ़ा नहीं, पढ़े नहीं थे, फिर क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था, फिर क्या हुआ? क्या ओके ओके कोई बात, टीचर नहीं आए थे, टीचर ने नहीं आए थे, टीचर ही नहीं आए तो लेट हुआ था एग्जाम। ओके तो एग्जाम ही लेट हो गया, तो पढ़ने मिल गया। ओह माशाल्लाह। देखिए कैसा है ना, कभी कभी एक इंसान को ऐसी चीज में फंस जाता है, हाँ, कि जैसे मिसाल के तौर पे आप बच्चों के साथ ज्यादा ये एग्जाम टाइम पे होता है, मुझे मालूम है, बाकी नॉर्मल जिंदगी में नहीं होता है, लेकिन बाकी नॉर्मल लोगों के साथ बहुत बार होता है। कभी कभार ऐसा है कि एक इंसान कुछ करने की कोशिश कर रहा है, हो ही नहीं रहा है, कोई रास्ता दिखता नहीं है। कभी कभी ऐसी जगह पर फंस जाते हैं कि अभी तो कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। लेकिन ये बताओ कि जब ऐसे हाल में हम हैं तो अल्लाह ताला रास्ता निकालने पर कादिर है कि नहीं? है। अल्लाह रास्ता निकाल सकता है? हाँ। जहाँ से कोई रास्ता नहीं निकाल सकता, अल्लाह वहां से भी निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता? निकाल सकता है। बाकी इंसानों को नहीं समझ में आता है, इंसान हार जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला के लिए फिर भी मुमकिन है कि नहीं है? हाँ। तो ये बात को आपको हमेशा याद रखना है। हाँ देखिए क्यों है, क्योंकि अल्लाह ताला अल अलीम है, अल अलीम यानी सब कुछ जानने वाला है। कुरान में कई जगहों पे आता है वहू समीउल अलीम, जिसका मतलब है कि वो सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ताला सुनने वाला है और जानने वाला है। सूरह सबा में आता है, सूरह 34 आयत नंबर 26, वहू अल फताहुल अलीम, वो रास्ता निकालने वाला इल्म वाला है। अल्लाह ताला इल्म वाला है, इसीलिए अल्लाह रास्ते निकाल सकता है। हमारा इल्म क्या है? लिमिटेड है, हमें थोड़ी सी बातें पता है तो हम लोग फंस जाते हैं। और हम लोग अगर ये सोचे कि कोई रास्ता नहीं है तो इंसान क्या होगा? मायूस हो जाएगा। लेकिन हमें जानना चाहिए अल्लाह ताला हर हाल में रास्ते निकालने पर कादिर है। मेरे बच्चों, मैं आपको जोड़ना चाहता हूं अल-फत्ताह से, अल-फत्ताह से आपका ताल्लुक जोड़ना चाहता हूं। अल-फत्ताह कौन? रास्ते निकालने वाला। अगर आप रास्ते निकालने वाले से अपना ताल्लुक जोड़ लें तो आपके लिए जिंदगी भर में आसानी हो जाएगी। क्यों क्यों आसानी हो जाएगी? आप सिर्फ अल्लाह का ख्याल रखो, अल्लाह ताला के हुक्मों का ख्याल रखो, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, अल्लाह को खुश करो, अल्लाह आपके लिए रास्ते निकाल सकता है। और अल्लाह ताला को नाराज करोगे तो सब रास्ते होंगे तो भी अल्लाह ताला आपको फंसा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये बात समझ में आ गई और आपने अपना ताल्लुक अल फताह का मतलब रास्ता निकालने वाला। हाँ, अल-फताह। अगर आपने अल-फताह से अपना ताल्लुक जोड़ दिया तो समझ लीजिए कि आपके पास एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप किसी भी मुश्किल से इंशाल्लाह बाहर निकल सकते हैं। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।